Dear students, today we are going to study a poem, A Legend of the Northland. It is a traditional old story composed in the style of a ballad. Ballad means narrative poem written in short stanza. This relates a simple incident in a form suitable for singing. Ballad एक poem होती है जो short stanzas में लिखी जाती है और ये एक story, simple story को हमें सुना रही होती है. इस पोएम में एक मोरल मैसेज भी है, दैट इज ग्रीड इज अ सिन, लालच जो है वो पाप है. द पोएट आल्सो ब्रिंग्स फोर्थ द आइडिया दैट पीपल विद नेगेटिव इन ह्यूमन वैल्यूज लाइक स्टिंजी नेचर, स्टिंजी मीन्स अनजेनरस, ग्रीड एंड सेल्फिशनेस आर पनिश्ड, कि ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिलती है जिनका नेचर बेहद ही लालची टाइप का होता है, जो सिर्फ अपना सोचते हैं. We should possess good human values and we should think of others also. तो इस poem के माध्यम से poet कहते हैं कि हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए अगर हम एक अच्छे इंसान हैं. Let's start the poem. This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. ये poem हमें एक ऐसी old lady के बारे में पुरानी कहानी सुनाती है जो कि सेंट पीटर को गुस्सा दिला देती है अपने लालच की वजह से. अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, दूर दूर नॉर्थ लैंड में. तो ये जो पोएम सेट की गई है वो नॉर्थ लैंड में सेट की गई है. ये नॉर्थ लैंड के आसपास के एरिया को डिस्क्राइब करती है जो कि एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन है, नॉर्थ पोल के आसपास है. ये अलास्का, ग्रीनलैंड, अपर एरिया ऑफ रशिया और कनाडा, कोई भी एरिया हो सकता है क्योंकि ये सारे एरिया नॉर्थ लैंड में आता है. वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, वहाँ पे दिन जो है वो छोटे होते हैं, दिन के जो घंटे हैं वो बड़े कम होते हैं. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और रातें बड़ी लंबी होती हैं. दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, तो दे मीन्स पीपल, तो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो सारी रात सो नहीं सकते क्योंकि वो बहुत लंबी रातें हैं. वेयर दे हार्नेस, हार्नेस का मतलब फास्टनिंग टू ए स्लेज, एक स्लेज में बांधना. द स्विफ्ट, स्विफ्ट मीन्स केपेबल ऑफ मूविंग फास्ट एट हाई स्पीड. रेनडियर, रेनडियर एक एनिमल होता है जो कि पोलर रीजन में पाया जाता है. टू द स्लेजेस, स्लेजेस मीन्स कार्ट्स, वो अपनी जो कार्ड्स हैं, गाड़ियाँ हैं, उनके साथ रेनडियर्स को जोतते हैं. व्हेन इट स्नोज, जब बर्फ़ पड़ती है और स्लेजेस जो हैं ये इस तरह की गाड़ियाँ हैं जिसमें कि रेनडियर को बांध दिया जाता है और फिर स्नो के ऊपर चलाया जाता है. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स, और जो बच्चे हैं उनके वो बेयर के कब्स की तरह, यंग वंस की तरह दिखाई देते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने फनी फरी क्लोथ्स पहने हुए हैं, उन्होंने ठंड से बचने के लिए फरी क्लोथ्स पहने हुए हैं जिनके ऊपर काफ़ी फर है, तो वो कैसे दिखाई देते हैं? बेयर कब्स की तरह दिखाई देते हैं. दे आल देन ए क्यूरियस स्टोरी, दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी. दे मीन्स पेरेंट्स, एल्डर्स. क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज, वो जो है अपने बच्चों को एक स्ट्रेंज स्टोरी सुनाते हैं. आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, और मुझे इस पे यकीन नहीं है कि ये सच है. एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, और फिर भी आपको इससे एक मोरल लेसन सीखने को मिलेगा. इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ. द स्टोरी इज विद ए मोरल लेसन. लेट्स मूव On the next stanza, once when the good Saint Peter lived in the world below, एक बार की बात है. Once कब यूज़ किया जाता है? जब फेरी टेल्स स्टार्ट होती हैं तब हमें once वर्ड देखने को मिलता है. तो पोइट कहते हैं कि एक बार सेंट पीटर जब इस दुनिया में रहते थे and walked about it, preaching means delivering a religious sermon. सेंट पीटर जो कि अपोसल हैं, वो जीसस क्राइस्ट के अपोसल हैं. अपोसल मीन्स मैसेंजर. जस्ट एज ही डिड यू नो, तो वो क्या करते थे? रिलीजियस मैसेज कन्वे करते थे. तो ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज. कॉटेज मीन्स
सिंपल हाउस इन द कंट्री एरिया, तो वो गांव के एक सिंपल घर के सामने आते हैं। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो पूरी अर्थ का भ्रमण कर रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे, वेयर ए लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, वहाँ पे उस कोटेज में एक वुमन जो है केक बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ, अर्थ का मतलब है फायर प्लेस, और वो केक पका रही थी, एंड बींग फेंट विद फास्टिंग, फेंट मीन्स वीक, फास्टिंग मीन्स हंगर, और वो भूख के मारे काफ़ी कमजोरी फील कर रहे थे, फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, पूरा दिन लगभग बीत चुका था, उन्होंने कुछ नहीं खाया था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, स्टोर मीन्स प्लेस ऑफ स्टॉकिंग, तो वो उसको कहते हैं लेडी को टू गिव हिम ए सिंगल वन, कि आप मुझे अपने स्टोर से एक केक जो है वो दे दो। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड मीन्स अपीयर्ड टू लार्ज टू गिव अवे, तो उस लेडी को लगता है कि ये तो काफ़ी बड़ा है देने के लिए, मैं कोई दूसरा बनाती हूँ। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, नीडेड मीन्स मेड, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, अब उसने एक छोटा सा डो लिया और एक छोटा केक बनाने की कोशिश की। बट इट लुक वेन शी टर्नड इट ओवर, पर जब इसने उसको पलटा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो जैसे ही उसने पहला केक बनाया था वैसा ही बड़ा वो उसको अभी भी दिखाई दे रहा था। देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप, स्क्रैप मीन्स पीस, टाइनी मीन्स स्मॉल ऑफ डो, तो उसने डो का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और फिर एक वेफर की तरह बिल्कुल पतला पतला जो है रोल किया। वेफर होता है जैसे आइसक्रीम कोन होता है, वैसे ही वेफर कहलाता है, बिल्कुल पतला उसको रोल कर लेती है। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, पार्ट विद दैट मीन्स गिव अवे, लेकिन उस लेडी का अब इसको भी देने का मन नहीं कर रहा था। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, उसको लगता है कि ये अभी भी बड़ा है देने के लिए, तो वो उसको शेल्फ के ऊपर रख देती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, इससे जो है सेंट पीटर नाराज हो जाते हैं, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो काफ़ी भूखा फील कर रहे थे और उनको वीकनेस फील हो रही थी, एंड श्योरली सच ए वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, प्रोवोक मीन्स इनसाइट, और वो लेडी जो है वो ग्रीडी लेडी एक संत को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। एंड ही सैड यू आर फॉर टू सेल्फिश, फॉर टू सेल्फिश मीन्स सेल्फिश बियॉन्ड लिमिट, तुम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सेल्फिश हो। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, फॉर्म मीन्स शेप, ड्वेल लिव, तुम ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो, तुम इंसान के रूप में रहने के लायक नहीं हो। कौन कहते हैं? सेंट पीटर। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, आपके पास सब कुछ है, खाना है, शेल्टर हाउस है, फायर है, और उसके बावजूद आप इतनी सेल्फिश हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्केंटी फूड, स्केंटी मीन्स वेरी लिटल, कि अब तुम बर्ड्स की तरह हो जाओगी और उन्हीं की तरह बहुत ही कम फूड जो है वो तुम ढूंढती घूमोगी। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, बोरिंग मीन्स मेकिंग ए होल ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, वुड मीन्स फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट में घूमोगी और जैसे वुड पैकर करता है पैकिंग करते हुए तुम अपना फूड जो है ढूंढती हुई घूम रही होगी फॉरेस्ट में। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग ए वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर फॉर शी वॉज चेंज्ड टू ए बर्ड, जैसे ही संत ने ये बोला वो जो लेडी है वो चिमनी के थ्रू बाहर निकलती है और देखते हैं कि अब वो एक बर्ड का रूप ले चुकी है और वो एक वर्ड नहीं बोलती है, तो जैसे ही वो बाहर निकलती है वो एक बर्ड की फॉर्म में निकलती है जिसको कि हम वुड पैकर कहते हैं। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, स्कारलेट मीन्स ब्राइट रेड,
और उसके सिर पर ब्राइट रेड कलर की कैप थी जब वो ह्यूमन फॉर्म में थी. इन हर लाइफ द वूमन वोर ए रेड कैप ऑन हर हेड इन ह्यूमन फॉर्म एंड शी वॉज लेफ्ट द सेम एज अ वुड पैकर. जैसे कि वुड पैकर के सिर पे हम रेड कलर का देखते हैं, ऐसे ही उस लेडी के सिर पे उस समय रेड कलर की कैप थी. शी हैड द रेड कलर कैप ऑन हर हेड बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्नड ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम. जब वो चिमनी में से निकल रही थी, उसकी लपटों में, आग की लपटों में उसके कपड़े जो हैं वो काले पड़ चुके थे, या कह सकते हैं कि जल चुके थे. और वुड पैकर का कलर कैसा होता है? ब्लैक. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, कंट्री मीन्स रूरल एरिया, हैज सीन हर इन द वुड. वुड मीन्स फॉरेस्ट. तो बच्चे जब स्कूल जा रहे होते थे फॉरेस्ट में, वो वुड पैकर को देखते थे. वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड. और जो कि आज भी जो है फॉरेस्ट में देखी जा सकती है, और जो अपने फूड को ढूंढने की कोशिश में होल कर रही होती है पेड़ों में. दैट्स ऑल अबाउट द पोएम.